तो अगर हम किसी चीज का पाठ कर रहे हैं, हम पठन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें जब तक उसका पूरा ज्ञान नहीं है, केवल पाठ करने से उसका फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं श्री सूक्तम के बारे में भी आपसे डिस्कस करूं। अब उसका पहला जो जो स्टैंस है, जो पहला हिम्न है, जो पहला मंत्र है, वो माँ लक्ष्मी का आह्वान है। हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो माम आवह। अब इसमें हम हिरण्यवर्णाम की बात करते हैं। हिरण्य वो है ना, हिरण्य गर्भा समर्पण तथाग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत, यानी वो कौन सी गोल्डन वॉर्म थी, वो कौन सी गोल्डन वॉम थी, वो सबसे पुरातन कौन सी गर्भ थी, हिरण्य गर्भ, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया। अब यहां पे जो है वो हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, ठीक, और हिरण्य का अर्थ पुरातन भी है। और यहां मां लक्ष्मी के स्वरूप की बात हो रही है, यानी हम आह्वान कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हम किस स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो मां लक्ष्मी के उस स्वरूप की बात हो रही है जो अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी, यानी अश्व आगे हैं, रथ बीच में है और भगवती उसमें विराजमान है। तो हिरण्यवर्णाम, हिरण्य का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ है कि सबसे पुरातन और सेक्रेट और पवित्र और उसके साथ में सबसे सुंदर और सबसे कीमती, यानी सोना सुवर्ण। तो उनका, उन लक्ष्मी का आह्वान हम श्री सूक्तम में करते हैं, जिनका वर्ण वर्ण यानी रंग भी कह देते हैं, वर्ण यानी श्याम वर्ण होता है ना, श्याम वर्ण श्वेत वर्ण, वैसे ही उनका हिरण्य वर्ण है, यानी उनका जो स्वरूप है वो स्वर्ण स्वर्ण जैसा है, सोने जैसा है। तो हिरण्य वर्णाम हरिणीम, हरिणीम के बारे में अगली वीडियो में भी बात करेंगे, थोड़ा बोलता हूं। हरिणीम, हरिणी मीन्स होता है मृग, ठीक है, फीमेल मृग। हाँ, कितना प्यारा लगता है देखने में मृग, कितना प्यारा लगता है, वैसा स्वरूप लिए हुए, वैसी वैसी अपने अंदर आभा लिए हुए भगवती, हरिणी रूप धारण करने वाली, यानी सुवर्ण के वर्ण वाली और वैसी ही आभा लिए हुए। और अग्नि को हम कहते हैं कि आप उन्हें इनवाइट कीजिए।